नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए लोकायुक्त SP गोपाल सिंह भाकन है। आज बात इसको लेकर कि पिछले साल जो बीता साल था 22 में कितनी कार्रवाई हुई, किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या परेशान सर, कितनी कार्रवाइयां की आपने? अभी विगत वर्ष 2022 में हमारे जो है करीब करीब 70 के आसपास ट्रैप कार्रवाई रही है और इसमें करीब 20 से 25 लोगों को इस साल सजा भी हुई है, जो पुरानी ट्रैप कार्रवाई जो माननीय न्यायालय में केस चल रहे थे और आय से अधिक संपत्ति पद के दुरुपयोग के भी काफी मामले अभी हम पंजीबद्ध किए हैं। सर, जैसा कि आप लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जब आपकी टीम कहीं पर जाती है, तो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कुछ जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस बात। एक्चुअल में काम तो हर परेशानी तो हर काम में आती है। हमारे साथ एक बड़ी समस्या गोपनीयता रखना एक अपने आप में बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन बखूबी हमारी टीम उसको निभाती है और करती भी है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जो फरियादियां होते हैं, फरियादियों को उतनी नॉलेज नहीं होती है, कभी कभार वो सारे फरियादी आते हैं तो एंड टाइम पे उनके द्वारा कई बार गलतियां कर दी जाती हैं छोटी मोटी, जो निश्चित रूप से आगे जाकर कानूनन अड़चने बनती हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम लोगों को ब्रीफ करें, उनको बताएं, सारी प्रोसेस समझाएं और उसके बाद हम आगे कार्रवाई में जाएं। जैसा कि आप लोग को काफी परेशानियां आती हैं उसके बाद भी आप मैनेज करते हैं, पिछले बार आपने लगभग 70 के आसपास कार्रवाइयां की, काफी बड़े लोगों को भी पकड़ा, तो जिस तरीके से कार्रवाई होती है तो समाज में ये मैसेज तो जाता है कि लोकायुक्त कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नजर रख रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस साल की कार्रवाई के बाद इस तरीके के काम करने वाले जो रिश्वत और तमाम तरीके के काम करते हैं, आय से ज्यादा वाले में कुछ कमी आएगी? देखिए, हमारा काम है काम करना और हम एक काम करके लगातार कार्रवाई करके निश्चित रूप से हम मैसेज भी दे रहे हैं और कोई भी शिकायतकर्ता फरियादी यदि सक्षम भी नहीं है 7 जिलों में तो हमने उनसे निवेदन भी किया है कि आप फोन कर सकते हैं, सीधा हमसे जो है जानकारी शेयर करें, हमारी टीमें जाती हैं, उनसे सारा हम कराते हैं, तो ये सब चीजें हम बखूबी कर रहे हैं। रही बात अंकुश की, निश्चित रूप से एक मैसेज तो जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और आपका जो मीडिया हो या जनता हो इन्हीं के द्वारा जब फीडबैक मिलता है तो एक कहीं ना कहीं मैसेज तो है और कार्रवाई का मैसेज जाना भी चाहिए। 22 बीत गया सर, 23 का आगाज है, जो भी इस समय आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? पहले तो सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा, ये वर्ष सबके लिए बहुत सुख समृद्धि लाए और सभी हेल्दी रहें, हंसते रहें। दूसरा, भ्रष्टाचार के संबंध में यही अपील करूंगा जनता से, कहीं भी किसी भी कार्यालय में सरकारी लोक सेवक द्वारा किसी भी तरह की कोई रिश्वत मांगी जाती है या कोई ऐसे लोगों जानकारी में है जो आय से अधिक संपत्ति या ऐसे लोग जानकारी हो उनकी जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोकायुक्त रीवा को सीधा शिकायत करें। हमें वादा करता हूं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, खास तौर से उनके लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं। अगर कहीं ऐसा भी है तो तत्काल हमसे संपर्क करें, हम उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कुछ ये कहना था लोकायुक्त SP गोपाल सिंह धाकड़ का। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।